तेरा कर्म ही तेरी विजय है। सलाम सरकार। भैया एक खुशखबरी सुनाता हूँ। क्या? मुन्ना और शांति भाभी को मायके छोड़कर मैं ऐसी मंत्रालय चला गया तो वहाँ पता चला कि हमें पता है तुम क्या कहने आए हो। पिताजी ने जो जमीन पुजारी को दान में दी थी उस जमीन पर अब हाईवे बनने वाला है और उस जमीन की कीमत अब चौगनी से भी ज्यादा होगी। अरे आपको कैसे पता चला? हाँ भैया कल यहाँ मंत्री जी आए थे यही बताने और हमने उनकी बहुत खातिर की। दौलत राम को हरिराम और दत्ताराम को बुलाने भी भेज दिया है। सरकार लो आ गए। मैं दत्ताराम और हरिराम जी को लेकर आया हूँ। आओ भाई हरिराम दत्ताराम आओ आओ। राम 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 राम। भाई हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आपने याद किया और हम आ गए। तो बोलो तुम्हारी क्या खातिर की जाए। कुछ नहीं जल्दी बता दीजिए काम क्या है। हम खेत का काम आधा छोड़ के आए सरकार। रणधीर इनकी बहुत अच्छी तरह खातिर करो। ये लो। ये क्या है? ये 20,000 रुपए हम तुम्हें इसलिए दे रहे हैं कि जो हमारी जमीन तुम्हारे पास है वो तुम हमें वापस कर दो। लेकिन क्यों? क्यों का क्या मतलब है? तुम जानते नहीं कि वो जमीन हमारी है। आपकी थी मगर आपके पिताजी ने हमारे पिताजी को जमीन दान में दी थी और उस वक्त वो जमीन सिर्फ बंजर पत्थर के सिवा और कुछ नहीं थी। हमने अपना खून पसीना बहाकर उसे सींचा है जिससे वो आज हमें दो वक्त की रोटी दे रही है। अरे तो सरकार तो तुम्हें दो वक्त की रोटी से ज्यादा दे रहे हैं ये 20,000 रुपए। ठीक है अगर ये कम है तो ये लो 10,000 और लो मिला के 30,000 और इस पे दस्तखत कर दो। नहीं नहीं दस्तखत नहीं करोगे? नहीं कभी नहीं। नहीं छोटे शुरू हो जा। दस्तखत तो इनका बाप भी करेगा। अगर पहले ही अक्लमंदों मेरी बात मान ली होती तो यहाँ तक की नौबत ही ना आती। छोटे बस कर छोटे। दस्तखत कर देंगे ठाकुर साहब हम दस्तखत कर। ये देखिए भैया दोनों के दस्तखत करवा लाया हूँ। माने कैसे? अरे मानते कैसे नहीं तपा तपा के जला दिया और फेंकवा दिया बाहर। अच्छा हुआ अब हमारा रास्ता एकदम साफ हो गया। नहीं मालिक एकदम साफ नहीं उनका एक और भाई भी है शिवराम अगर वो आ गया तो। अरे बेवकूफ उसे गांव छोड़े हुए 12 साल हो गए। आना होता तो अब तक आ गया होता। कहीं साला मर खप गया होगा। भाग जा शिवराम भाग जा नहीं तो मारा जाएगा। इस महाशमशान पर सदियों से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। ओम रिंग रिंग चामुंडाए स्वाहा। चामुंडाए स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए स्वाहा।
ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। दाकिनी योगिनी विघ्न विनाशिनी चामुंडाय स्वाहा। क्षण से समस्त सिद्धियां तुम्हारे अधीन हो गई हैं शिवराम। आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि तुमने अपने बरसों की लगन से मनोशक्ति पर काबू पाकर सिद्धि प्राप्त कर ली है। तुम हजारों में से एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने इतनी भयंकर प्रेत बाधाओं को पार कर लिया। गुरुदेव, यह सब आप ही की शिक्षा का परिणाम है, अन्यथा मैं किस योग्य हूं। शिवराम, तुम एक साहसी और धैर्यवान पुरुष हो। दुनिया के लोगों का दुख दर्द अब तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। अन्याय और अत्याचार के बोझ से दबे लोगों का सहारा बन सकते हो, उनके जीवन की प्रेरणा बन सकते हो, उनके अधूरे जीवन में आशा का सूर्य उदय कर सकते हो। वो सब कुछ तो मैं कर सकता हूं गुरुदेव, लेकिन मेरी इच्छा थी कि जीवन भर आपकी सेवा करूं और दुनिया की सब सुख समृद्धियां आपके चरणों में अर्पित कर दूं। सुख, सुख का मतलब है कि मनुष्य अपना जीवन सोने चांदी की चमक दमक में खो देता है। शिवराम, सोने चांदी की यहां कोई कमी नहीं है, ये तो मोह माया है। हमारी इच्छा है कि तुम अपनी वेशभूषा बदलकर अपने गांव चले जाओ और लोगों का उद्धार करो। जो आज्ञा गुरुदेव। शिवराम, हमें हमारी गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? गुरुदेव, सोने चांदी धन दौलत से परे हैं आप, अब आप ही बताइए मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा दूं। हमें तुम्हारा एक वचन चाहिए। आज्ञा गुरुदेव। एक सिद्ध पुरुष होने के नाते तुम अपने जीते जी कोई ऐसा कार्य नहीं करोगे जिससे किसी और इंसान को कोई कष्ट या हानि हो, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। मैं वचन देता हूं गुरुदेव, जब तक मेरा शरीर मेरे साथ है मैं किसी को हानि या कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। चलो शिवराम, अपने सगे संबंधियों के पास। जेठ जी, सुहागवती रो बहू। जीती रहो। भैया, अरे हरी। भैया इतने साल बाद तुम। भाभी के स्वर्गवास के बाद उसकी तेरही भी नहीं हो पाई थी और तुम। वो सब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि तुम
सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम सब शहर जा रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आजकल घर जमीन बेचकर पैसे इकट्ठे करके शहर जाना तो चलन हो गया है। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। दादा कहाँ है? बड़े भैया, बड़े भैया। अरे दादा, क्या हुआ, रो के रहे हो? क्या बताएं भैया, इन ठाकुरों ने हम पर बड़ा जुल्म ढाया है। अरे पर हुआ क्या, कुछ बताओगे भी? हमारी जमीन जबरदस्ती छीन ली है और अब हम मजबूर होकर इस अपनी धरती मैया को, इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। गांव छोड़कर जा रहे हैं? हाँ भैया। क्या कह रहे हो हरिराम, ठाकुरों की वजह से हम अपना गांव छोड़कर चले जाएं, अपना घर बार छोड़कर चले जाएं? जिस धरती को हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसकी बांझ गोक को हमने अपनी मेहनत से हरा भरा किया, उस अन्नपूर्णा को छोड़कर चले जाएं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उन ठाकुरों को ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, कभी नहीं। तुम इस वक्त यहां बिन बुलाए? आप मुझे नहीं पहचानते, ठाकुर रंजीत सिंह को बुलाइए, मैं उनसे बात करूंगा। जो कुछ कहना है मुझसे कहो और जल्दी से दफा हो जाओ। अगर बात आपसे करनी होती तो मैं कर चुका होता, आप उन्हें बुलाइए। वो इस वक्त किसी से नहीं मिलेंगे, निकल लो। खड़े क्यों हो, जाओ, मैं कहता हूं जाओ, अभी जा। मुनीम। जी सरकार। ये तो शिवराम लगता है। ये तो जिंदा है सरकार, ये तो उन्हीं का भाई है। हे, इधर आओ। क्या तकलीफ है, यहां क्यों आए हो? तुम्हारे दोनों भाई तो अब तक गांव छोड़कर चले गए होंगे। नहीं, वो गए नहीं, जाने ही वाले थे, पर मैंने उन्हें रोक लिया। भाई साहब, लगता है जो बात उनके समझ में आ गई है, इसके समझ में नहीं आई। जी हाँ, मुझे मालूम है कि आपने उन्हें बहुत बेदर्दी से पीटा है, बहुत अत्याचार किए हैं आपने, फिर भी मेरी आपसे विनंती है कि आप हमारी जमीन वापस कर दीजिए। देखिए, मैं आप पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने एक सिद्ध पुरुष की तरह सिद्धि प्राप्त की है और मेरे गुरु ने मुझसे ये वचन लिया है कि जीते जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मैं किसी को किसी प्रकार की हानि पहुंचाऊं। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप हमारी जमीन के कागजात वापस कर दीजिए। भाई साहब, ये तो धमकी दे रहा है। हे, शिवराम जी के जमीन के कागजात इन्हें वापस कर दीजिए। ना चालू रखो, आओ। हे, क्या हुआ? अरे ये बोलते क्यों नहीं? अरे बेटा, ये कन्या भी, अरे बाप रे, अरे ये सब के सब तो पत्थर हो गए। अरे ओ शिवराम के बच्चे, सुना है तांत्रिकों में बड़ी शक्ति होती है, पर उनके करिश्मे नहीं देखे थे, लेकिन आज देख लिए। वाह साहब वाह, हमें खुशी है कि हमारे इस गांव में आप जैसे महापुरुष हैं। इस इलाके में तो आपकी बड़ी सख्त जरूरत है साहब,
हम अभी आपकी जमीन के सारे कागजात वापस कर देते हैं। क्यों रणबीर? हाँ, लेकिन पहले हर चीज को असलियत में तो लाओ। गधा? अबे ये गधा नहीं, अपने मुनीम जी हैं। ये सब शिवराम जी की तांत्रिक विद्या का कमाल है। सब ठीक हो गया? अरे शुक्र है, धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अरे आज से हम आपके चेले हुए गुरुजी। रणबीर, कल कचहरी खुलते ही जमीन के कागज इनके नाम करके दे दो। दे दूंगा। वही ठीक होगा। धन्यवाद। ये आदमी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इससे पहले कि ये अपनी सिद्धि से हमें कोई नुकसान पहुंचाए, हम इसका नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। मैं तेरा भी घर जला दूंगी। हाँ हाँ भाई साहब, आइए। इनके खानदान में कोई नहीं बचा, इसलिए आग आप ही दीजिए। शकून है, लगता है हमारे गांव में कोई आफत आने वाली है। अरे तूफान थम गया, जाओ और आग लगाओ। अरे ये क्या, ये अपने आप जल पड़ा। लगता है कयामत आने वाली है। आज के जश्न का हम यहाँ मौज मजा कर रहे हैं, और वो बेचारा बेवकूफ वफादार दौलत राम हमारे साहब किए कराए का इल्जाम अपने सर ले गया और हमारे लिए जेल चला गया। भैया कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पुलिस को सब कुछ बता रहे? नहीं छोटे, तू उसे जानता नहीं। उसने बरसों हमारा नमक खाया है, और ये जो नमक हलाल कौम होती है ना, बहुत बेवकूफ होती है। वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। अच्छा छोटे, मैंने बहुत पी रखी है, मेरा और दिमाग मत खा तू।
मैं सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा। नहीं भैया, मैं तो एक दो और टिकाऊंगा, आप सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारे आने तलक हमको होश रहता है। आजकल भाई साहब को भी बहुत जल्दी चढ़ जाती है। लोगों ने कहा था कि इस इलाके में मुझ जैसे की बहुत जरूरत है, इसीलिए मरकर भी मैं यहाँ मौजूद हूँ। मैं यहाँ मौजूद हूँ। तो फिर सामने क्यों नहीं आता है? देखना चाहता है तू मुझे? तो फिर देख इधर। तुम लोगों ने मेरे शरीर को नष्ट करके मुझे मेरे गुरु को दिए हुए वचन से मुक्त कर दिया। ये क्या हो गया? अब मैं तुझे मुक्त करता हूं। रणवीर, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम्हारे खानदान के एक एक आदमी को खत्म नहीं कर देता। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ठाकुर रणवीर सिंह, इस धरती से तुम्हारे जैसे पापियों का नाश होना ही चाहिए। पहली बारी तुम्हारी है, तुम्हारा नाश होगा। Ha ha ha!
दरवाजा अपने आप कैसे खुलने लगा? पता नहीं। अरे ये तो मर गया था, इसको तो हमने गोली मार के जला के खत्म कर दिया था, फिर भी ये यहाँ पर। शायद मरा नहीं, इसे गाड़ी के नीचे कुचल डालो। शिवराम मुझे मार डालेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? शिवराम की तो मौत हो चुकी है, उसका शरीर तो चिता की आग में जलकर राख हो चुका है, वो कैसे यहां आ सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, शिवराम एक बहुत ही भयानक तांत्रिक है, वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी आ जा सकता है, वो मुझे मार देगा, वो मेरी पत्नी को मार देगा, वो मेरे मुन्ने को मार देगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी पत्नी को हमने तार दे दिया, बस वो आती ही होंगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उन्हें यहां मत बुलाइए, वो नहीं मार देगा, वो मुझे मार देगा, वो आपको मार देगा, वो हम सबको मार देगा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, लेट जाइए। नर्स जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तुम फिर आ गए, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं, मुझ पर तरस खाओ। हाथ तो तुम्हारे सामने मेरे भाइयों ने भी जोड़े थे बड़े ठाकुर, लेकिन तुम्हें उन पर तरस आया था क्या? तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें पहले भी मार सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि जिस तरह बेरहमी से तुमने हमें जलाकर राख कर दिया, उसी तरह तुम भी तड़प तड़प कर अपनी घिनौनी मौत का एहसास करो। Ah!
He's dead. Inspector. बेटी बेटी शांत हो जाओ, रोने से क्या फायदा, धीरज रखो। शिवराम की आत्मा ने तुम्हारे परिवार के साथ अच्छा नहीं किया, पता नहीं अब और किस किस की जान लेगा। मेरा मुन्ना कहाँ गया? यहीं कहीं होगा। घबराओ नहीं बेटी, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रही हो। मैं शिवराम का गुरु हूं, वो मेरा शिष्य था। गुरुजी, गुरुजी मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरा सब कुछ लूट गया, मैं तबाह हो गई। गुरुजी, गुरुजी, अब इस बच्चे के सिवा मेरा और कुछ नहीं रहा। यही तो हमारे वंश का आखिरी चिराग है, मेरे जीने का सहारा है। गुरुजी, इसे शिवराम से बचा लीजिए, इसे बचा। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। इस समय अच्छा यही रहेगा कि तुम दोपहर होने से पहले इस हवेली से बाहर चली जाओ। मैं शिवराम को बांधने का प्रयत्न करूंगा। जाओ बेटी, जाओ। और 20 साल बाद ठाकुर रंजीत सिंह के शहजादे, जिनको शिवराम से बचाने के लिए विलायत भेजा गया था, वापस हिंदुस्तान लौट आए। बेटे, पता है तुम्हें, ये सब खाना रीटा के हाथों का पका हुआ है। वाह, तो आप इस काम में भी एक्सपर्ट हो गई हैं। माँ जी, चलिए आप भी कुछ खाइए। खाती हूँ। अविनाश, तुम्हें मालूम है, तुम्हारे आने की खुशी में माँ ने कल से कुछ नहीं खाया। अरे बेटे, माँ, चलो पहले खाना शुरू करो। बेटे, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तुम अपनी तालीम पूरी करके आओगे ना, तो मैं तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार जाऊंगी। सोचती हूँ कल ही चली जाऊँ। इतनी जल्दी भी क्या है माँ, आराम से चले जाना। बेटे, फिर तुम्हारे कारोबार का बुलावा आ जाएगा और मेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। वैसे तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? माँ, मेरा प्रोग्राम तो प्रोफेसर साहब के आने के बाद ही शुरू होगा। बेटे, कहाँ जा रही हो? माँ जी, खीर लाने। ओ बेटे, तुम्हें रीटा कैसी लगी? अरे माँ, अभी तो बंबई आया हूँ, कुछ सोचने समझने का मौका तो दो। बाबा, ये ललितपुर यहाँ से कितनी दूर है? कौन सा शिवराम वाला ललितपुर? नहीं, वो जो गंगापुर के पास है। आहा, वही वही, तब तो तुम उसके बहुत नजदीक आ गए हो। यहाँ से सीधा जाने के बाद बाएं हाथ पे तुम्हें शमशान मिलेगा। हाँ। और दाएं हाथ पे जाओगे तो एक मजार पाओगे, और मजार पार करोगे तो एक कब्रिस्तान मिलेगा, और कब्रों का सिलसिला खत्म होते ही
ललितपुर शुरू हो जाएगा, ललितपुर शुरू हो जाएगा। जाओ 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 उस तरफ चले जाओ। शुक्रिया, चलो भाई सीधे लो यहां से। कौन जाने बेखुदी है या के वो हैं होश में, खुद ब खुद सोने चले हैं मौत की आगोश में। आप लोग बंबई से आए हैं क्या? हाँ बंबई से। आपकी बुकिंग हमें मिल चुकी है, कुछ कमरे इस तरफ है और कुछ कमरे उस तरफ। भाई मैं तो उस कमरे में रहूंगा। ओके, गाड़ी से उतारो। जी अच्छा, सामान उतारो। लेट्स गो देयर। क्या नाम है तुम्हारा? जी शंकरलाल। ये जीप किसकी? ये जीप हमारे गेस्ट हाउस की है, यहाँ पर आकर जो रहता है उसको हम किराए पे देते हैं। अच्छा ठीक है, सामान उतार के हमारे कमरे में ले। जी अच्छा सर। अविनाश उठो, अविनाश आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अविनाश आओ आओ आओ, अविनाश आओ आओ। अविनाश, अविनाश। यस सर। इस वक्त कहां जा रहे हो? कहीं नहीं सर, बस ऐसे ही। जाओ बेटे अंदर जाकर सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। हर मर्ज की दवा हर रोग का इलाज, हर मर्ज की दवा हर रोग का इलाज। पापा, पापा। बोल बालक तुझे क्या कष्ट है? मुझे बच्चा नहीं होता। क्या? तू बच्चा पैदा करेगा? मा, 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 मेरा मतलब है मेरी धर्म पत्नी को, इन्हें। तो बच्चा चाहिए। ये काम तो तुरंत हो जाएगा। सच? तो फिर जल्दी कीजिए ना पापा। हम नहीं करते हैं, हमारे गुरुजी जो अंदर हैं वो सब कुछ जानते हैं। वो तुम्हें बिना बताए चढ़ जाएंगे तुम्हारी इच्छा की छाती पर और अपनी महान शक्ति से तुम्हारी हर मुराद पूरी करेंगे। जय हो गुरुजी। पीले फूल यानी बच्चा नहीं होता है, संतान के योग से वंचित हो। गुरुजी आप कैसे जानते हैं? हम अंतर्यामी हैं, मन का हाल जानते हैं। बैठ जाओ और आंखें बंद कर लो। पीला भूत, नीला भूत, हकला भूत, पतला भूत, तुम में से जिस किसी ने भी रसवंती को अपने वश में किया हो वो मेरे सामने प्रकट हो। प्रकट हो वरना भस्म कर दूंगा। ए, अपने नैनों की खिड़की को बंद करो, और खिड़की खुली रखोगी तो पैदा होने वाला बच्चा जो है वो बिना खिड़की के पैदा होगा। बंद करो। तुम में से कौन नटखट विकल बाड़ू है जिसने रसवंती के ममता के रास्ते में रोड़े अटकाए हैं, उसे मां बनने नहीं दे रहा है? बोलो वरना। अरे नहीं गुरुदेव, मैं अभी प्रा, 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 प्रा। प्रकट होता हूँ अगले भूत के साथ, यही तकलीफ। आगे बोल जी। वो गु, गु, गु। अबे गुगु करते रहेगा कि आगे भी बोलेगा? गुरुदेव हो गया, चल आगे बोल। मैं रसवंती से अब प्रसन्न हूँ। क्यों? उसने तेरी माँ मार दी है, तेरे बाप को मार डाला उसने। वो मैं अपनी हकली के साथ आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मजे लूट रहा था। भूतनी भी साली हकली थी, चला के बढ़। फिर हाँ तो फिर इसने मुझ पर थूक दिया। अबे तू तो थूक में नाता, तेरे को क्या तकलीफ है? क्या ये सच है कि दोपहर के वक्त तूने इस पे थूक दिया था? रजवंती मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। अरे आके खोल। नहीं गुरुजी, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा। अगर तूने थूका नहीं तो उसने चाटा कहाँ से? अब उस चाटे के काटे का एक ही उपाय है, अगर तू माँ बनना चाहती है तो। गुरुजी ये सब कुछ करेगी, बस आप संतान का सुख इसकी गोद में डाल दीजिए। उपाय तो हम बता देते हैं मगर मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। तुमको 7 सोमवार तक लगा। बैठ जा, व्रत रखना है। खड़ा कहाँ हो रहा है?
तुम हर दोपहर को आम के पेड़ के ऊपर बैठना, इसको पेड़ के नीचे बैठाना, संतान हो जाएगी, समझ गया? धन्यवाद गुरुजी, चलो। ठहर जाओ, केवल धन्यवाद से संतान नहीं होती, उसके लिए धन भी निकालना पड़ता है। इक्यावन रुपए यहाँ रखो, मुझे हकले के परिवार को भोजन कराना है। कुछ कम रुपए चलेगी? ये हकला रात को घर में आ जाएगा। अरे बाप रे, ये लीजिए। जल्दी से रखो ना, छूट रहा है। भाग। मुझे टोपी बनाने आया। हम कहाँ जा रहे हैं सरकार? हम करने जा रहे हैं शिकार। शिकार? और बिना किसी हथियार? अरे छोटू, मेरे जो दादाजी थे ना, वो शेर, बब्बर, शेर, हाथी, घोड़ा, बकरी, चूहे का शिकार अपने हाथों से करते थे। वो क्या करते थे, वो सामने खड़े हो जाते थे और जानवर खुद शिकार बन जाते थे। लेकिन हम किसी जानवर का शिकार नहीं करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं एक लड़की का शिकार, जो बनेगी मेरे गले का हार। मगर वो हार बनेगी? कैसे नहीं बनेगी, ये तावीज देख रहे हो, ये महान जटाशंकर का तावीज है, इसमें इतनी शक्ति है कि कोई लड़की इनकार ही नहीं कर सकती। तो सरकार, एक ऐसा तावीज मुझे भी दिलवा दीजिए। दिलवा देंगे, पहले मेरा काम हो जाए, फिर तुम्हारा भी बंदोबस्त कर देंगे। देखा इस तावीज का कमाल, पानी में जले मेरा गोरा बदन पानी में। तू एक काम करना, अगर कोई आवाज सुनो तू समझा के कुछ सुना ही नहीं, मेरा काम हो जाए तो ये तावीज मैं तेरे को दे दूंगा। तब तक तो अपने इमोशन ऊपर वाले ने नीचे वाले कंट्रोल में रखना, हिलना नहीं। मैं गया और आया, डार्लिंग। तुम यहाँ? चले जाओ वरना चिल्लाऊंगी। देखो मैं लोगों को बुलाऊंगी। नहीं नहीं, अब तुम चिल्लाओगी नहीं, अब तुम ना ना करोगी, उसके बाद हाँ हाँ करोगी, फिर हूँ हूँ करोगी, फिर हाँ हाँ करोगी, क्योंकि मेरे पास महान जटाशंकर का तावीज है। अब तुम वही करोगी जो मैं चाहता हूं। नहीं, इस तावीज को गौर से देखो, देखो अब प्यार से मेरे पास चलकर आओ। चलो। अच्छा अच्छा, प्यार से आओ, लहरा क्या रुक जाओ, अब घूमो। ये तो कमाल की तावीज है, रुक जाओ अब गाना गाओ। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। रुको, अब मुझे थोड़ा सा प्यार करो। आहा वाह वाह, तूने मुझे चांटा मारा, अपने होने वाले पति को चांटा मारा, अब मैं तेरे साथ बलात्कार करूंगा। ये कौन सी कार होती है? ये कार नहीं है बेबी, ये ट्रक है, वो भी मर्सिडीज बेंज। अच्छा? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपको ना भाई साहब, मैंने पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन इस वक्त एक बेसहारा लाचार लड़की की पुकार का जवाब हूँ, समझे? और मेरा जवाब ये नहीं, ये इस तावीज की इज्जत कर ले, अरे मुझसे शादी कर ले, अरे मेरे बच्चों की माँ बन जा। नहीं, अरे चिड़ी के गुलाम। अरे काम कर रहा हूँ मैं कुछ। तो तुम्हारा जवाब था, अच्छा जवाब था। तुम्हें हिंदी समझ आती है? तामिल में है। हाँ, तामिल में, तामिल की जगह। ये क्या कर रहा है? क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि अभी आपको कुत्ते की तरह मारेंगे। किसकी तरह मारेंगे? बाव बाव। कुत्ते की तरह। वैसे तुम्हारी हालत देख के तुम्हें मारने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन तुमने काम ही कुछ ऐसे किए हुए, मारना तो पड़ेगा भाई, मारना तो पड़ेगा तुम्हें, बात मारूंगा तुम्हें। ये राजस्थानी, ये मराठी, ये का भैया।
बिहारी कैसे है भैया? हाँ पंजाबी में तो मारा नहीं, टिंग 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 टिंग। पंजाबी में नहीं मारा? नहीं। अभी लो। मेरे दोस्त, मैं यहाँ पर इश्क करने आया था, कुत्ते की तरह पिटने नहीं। जटाशंकर, तेरी तावीज की वजह से मेरा बच गया डंका, नहीं छोड़ूंगा। तुम? हाँ मैं। क्या? अबे पंडित, अब तुम मुझको और उल्लू नहीं बना सकता। उल्लू को उल्लू कौन बना सकता है? क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? नहीं मतलब उस कन्या ने आज तुमको फिर उल्लू बना दिया है ना? हाँ कन्या ने जो बनाया सो बनाया, उसके यार ने मेरे चेहरे पर ललितपुर का नक्शा बना दिया। अच्छा मतलब उसका कोई यार भी है? है साला उल्लू का पटा एक बंदर। बंदर का तो मैं खोपड़ी के अंदर बंद कर दूंगा। तू एक बात बता, तूने आज सुबह नाश्ते में क्या खाया था? नाश्ते में? नाश्ते में मैंने 7 अंडे की ऑमलेट, शाबाश, थोड़े से गुर्दे के पूरे, बहुत खूब, 8-9 चिकन के पीस, 2 ब्रिटानिया के बड़े ब्रेड, शेर पड़ दिया। नाश्ता मैंने हल्का सा किया है। उबले हुए जूते नहीं मिले वो भी खा लेता सोल के साथ में? क्या तुमने मेरे तावीज को समझ क्या रखा है? ये मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। तुम मेरी लुटिया डुबाओगे, तुम्हारी मेरी नहीं पटने वाली। जाओ कोई और तांद्री ढूंढो, चलो निकलो बाहर। पंडित जी आप नाराज हो गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। पंडित जी मैं आपके पैर पकड़ने के लिए तैयार हूं। खैर एक लड़की का हाथ पकड़ने के लिए मेरा पैर पकड़ने को तैयार हो गया? चले पकड़। जाओ पंडित जी। काम कर, 100 की पत्ती निकालना। तू फिर से? मैं तुझे ऐसी गोट देता हूँ कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझको। ये लो 100 का नोट। जल्दी ला, जल्दी से दे दो गोट। ये रही पट्टी। आने वाली पट्टी नहीं, आज ही भूत की आंख उतारी हुई पट्टी है। इसको अपनी आंखों में बांध ले, फिर जाके इस पट्टी को सिर्फ संध्या के सामने खोलना। तू उसकी आंखों में देखना तो तेरी आंखों में देखेगी, तू उसकी आंखों में देखना तो तेरी आंखों में देखेगी, तू उसकी आंखों में देखना तो तेरी आंखों में। मैंने संध्या को देखने का, मेरी तरफ क्या देख रहा है? जब वो चकरा के तेरी गोद में गिर जाएगी तो वो तेरी हो जाएगी, समझ गया? ये ले, मगर एक बात याद रखना, इससे पहले किसी और को मत देखना, वरना जीत जिसकी तरफ देखेगा वो जीत तेरे पीछे पड़ जाएगी, समझ गया? थैंक यू पंडित जी, थैंक यू पंडित जी, समझा? संध्या संध्या संध्या। कहां से चले आते हैं ऐसे अकल के अंधे गांठ के पूरे? मैं ठीक ही तो है, ऐसे लोग आएंगे नहीं तो अपना धंधा चलेगा कैसे, है कि नहीं? अरे हाँ बोलो ना, है ना? संध्या, मेरी संध्या। ओ संध्या, आए टकलो। हाँ जी। अरे तू मुझे सही रास्ते तो ले जा रहा है ना? गुरु बिल्कुल सही रास्ते पे ले जा रहा हूँ। पंडित जटाशंकर ने आज जो आशिक के भूत के सर से मुझे पट्टी उतार के दी है ना, उससे लगता है कि मेरा काम तो 100% हो जाएगा। गुरु तुम तो हमेशा अपने बारे में ही सोचते रहते हो, कभी मेरे बारे में भी तो सोचो। हाँ बोलो बोलो। मेरा भी छोटा सा है। क्या दिल? ओ वाह, क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या नजाकत है, क्या माल है। संध्या जय। अरे टकलू, हाँ ये कोई संध्या है? गुरु ये मैं बोलने वाला था कि ये संध्या जैसी दिखती है, लेकिन आपने तो संध्या पर ही पट्टी खोल दी, मैं क्या करूं? अरे टकलू, हाँ ये तो छक्का है। हाँ हाँ ये छक्का है। आओरी आओरी कितना चिकना माल है। अरे ये तो यही आ रहे हैं। अरे वो जरा देखो देखो जरा देखो। हाँ हाँ है। अरे ये तो शमशेर है। अरे हाँ हाँ बड़े दिन के बाद इतना अच्छा माल मिला है। ये बिट्टी पकड़े टकले को। मुझे मत पकड़ो। अरे अरे मुझे जाने। हमारे एक शर्त है, एक काम करो, हम लोग गाना गाएंगे और तुझे डांस करना पड़ेगा, समझे? डांस करोगे ना? करेगा मेरा बाप। Come on!
हो गया संध्या तेरे प्यार में। आए काली पट्टी मेरे पास। देख शमशेर का क्या हाल हो गया तेरे प्यार में। अरे तुम्हारे मामा जी आ गए। ओ चलो चलो चलो। क्या हो रहा है ये? नहीं मामा जी कुछ नहीं। तुमने खाना पहुंचा दिया? नहीं अभी लेके। चलो जल्दी करो। बाबूजी आपके तो खून निकल रहा है। मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ बाबू, तुमने आज मेरी इज्जत बचाई। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। बाबू ये फर्ज तुम बार बार निभाओगे ना? एक बार नहीं 100 बार निभाऊंगा। अब चलूं। बाबूजी मेरा नाम संध्या है। बहुत सुंदर नाम है, एकदम तुम्हारी तरह। बाबूजी अब क्या है बाबा? मेरा नाम संध्या है। ओह हाँ, मेरा नाम अविनाश है और मैं पीडब्ल्यूडी के साथ में ठहरा हुआ। जब याद करोगी हाजिर हो जाऊंगा। कसम से। साथ लंच ब्रेक करते हैं? हाँ हाँ तुम लोग भी जाओ, मेरा और महेंद्र का खाना यही भिजवा देना। आइयो आप लोग भी खाना खा लो, सामान रख दो, आओ। महेंद्र। जी सर। एक गिलास पानी तो पिलाओ। जी सर। प्लीज सर। संतरे वाला, संतरे ले लो। देखो खाने में शायद देर है, तुम जाकर संतरे ले आओ। जी बहुत अच्छा। अरे वो संतरे वाले। शिवराम। कौन शिवराम? तुम्हारी मौत। नहीं। कल रात तुमने मेरे शिकार को मेरे दायरे में आने से रोक दिया। नहीं। उसका परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। हाँ बैनर्जी साहब कहाँ चले गए? खून, अरे खून हो गया, अरे बैनर्जी साहब का खून हो गया। अरे खून हो गया, देखो खून हो गया, खून हो गया, बैनर्जी साहब का बच्चा खून हो गया, इंतजार करो, इंतजार देखो खून हो गया। शिवराम ने एक और खून कर दिया और एक मौत। क्या हुआ? बैनर्जी साहब की मौत हो गई। बैनर्जी साहब की मौत हो गई? नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, छोड़ो मुझे, वो मेरे गुरु थे, छोड़ो मुझे, ये काम पुलिस का है। शिवराम न जाने और किस किस की जान लेगा। शिवराम सॉरी अविनाश, हम लोग हिम्मत हार चुके हैं, वी आर गोइंग। आप में हिम्मत है, धैर्य है, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा अविनाश बंबई जाकर मैं तुम्हारी माजी से मिलूंगा, कोई खबर भिजवानी हो तो बोलो। नहीं मैं चिट्ठी लिख दूंगा उन्हें। गॉड ब्लेस यू। ओके अविनाश। बाय अविनाश। ओके
जी आप नहीं गए? नहीं, मुझे कुछ काम करने हैं। भाग गए, वो भाग गए, मौत के डर से भाग गए। जिसे मरना था वो मर गया, और जिसे मरना है वो रह गया। क्या बात है बाबू? मुझे यहाँ से 2 कोस तक जाना है, छोड़ दोगे? आइए बैठिए। इतनी रात गए कहाँ जा रहे हैं बाबा? 2 कोस पर एक हवेली है, वहीं जा रहा हूँ। हवेली? ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ, हम दोनों की मंजिल एक ही है। मंजिल? मैं वहाँ का माली हूँ, वहीं रहता हूँ। आप वहीं रहते हैं? जी हाँ, क्यों? नहीं, लेकिन सुना है वहाँ पे शिवराम की आत्मा रहती है। जी हाँ, सुना तो मैंने भी है लोगों से, लेकिन मैं वहाँ बरसों से रह रहा हूँ, कभी देखा नहीं। कभी नहीं देखा? यकीन नहीं होता ना। चलो मैं हवेली का कोना कोना दिखाई देता हूँ, देखोगे? हाँ देखना है। लो हमारी मंजिल आ गई। हाँ बाबू, तुम्हारी मंजिल आ गई। क्यों, क्या हुआ? ये दरवाजा अपने आप खुल रहा है। बाबू, आपके दिमाग पर शिवराम की आत्मा का भूत सवार है ना, इसलिए आपको ऐसा लगा। ये दरवाजा तो पहले से, क्या आपने हाथ में? जी, दस्ताने हैं। मैं दिन भर पेड़ पौधों में काम करता हूँ ना, हाथों में छाले ना पड़ जाए, इसलिए दस्ताने पहन कर रखता हूँ। लीजिए पानी। माली, 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 माली। माली नहीं, मैं शिवराम हूं, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं जा सकते। माँ जी की कोई चिट्ठी आई? नहीं नहीं, माँ जी की तो कोई चिट्ठी नहीं आई, लेकिन वो अविनाश बाबू की चिट्ठी जरूर आई है। देवी जी, दूसरे की चिट्ठी पढ़ना बहुत बुरी बात है। शट अप, तुम्हें नहीं मालूम मैं इस घर की बहू बनने वाली हूँ? तुम अपना काम करो जी। मेरी प्यारी माँ,
अविनाश का प्रणाम। मुझे आशा है तुम्हारी यात्रा सफल रही होगी। तुम्हारे जाने के बाद मैं अपने प्रोफेसर के साथ ललितपुर आ गया। खुदाई का काम शुरू हुआ ही था कि प्रोफेसर की अचानक मौत हो गई। गांव वाले कहते हैं इस मौत के पीछे शिवराम का हाथ है, जिसकी आत्मा हवेली में रहती है। इस राज को जानने के लिए मैं रुक गया हूँ। एक बात और है माँ, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की देखी है जिसे देखते ही तुम अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाओगी। सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली। अरे ठहरो, अरे संध्या रानी तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रही थी? वो इंतजार तुम्हारे सिवा किसका इंतजार हो सकता है मेरे राजा? राजा? और मेरा तो बच गया बाजा। तुम सच कह रही हो ना संध्या रानी? बिल्कुल सच, एकदम सच। अब मैं जाऊँ? अरे कहाँ जाओगी, जाने से पहले मेरे प्यार का सबूत तो देती जाओ। वो क्या कहते हैं, पप्पी? पप्पी? लेकिन पप्पी दूंगी नहीं, पप्पी लूंगी। इतनी लंबी? कहीं उस दिन की तरह मेरे नरम नरम गाल पे गरम गरम तमाचा? नहीं नहीं नहीं, उस दिन तो तुम्हारे गले में तावीज था ना। उस गधे का बच्चे का तावीज आज नहीं है, नहीं है, नहीं, नहीं है, नहीं। अब तुम एक से दस तक की गिनती गिनो और गिनती पूरी होने के बाद पप्पियों की बरसात शुरू हो जाएगी। शुरू कर दूं? हाँ, मगर आंखें बंद करके। एक तो तीन तमाचे साथ लो। मैं तो भागी जा रही हूँ क्या? फिर से गिनो, मगर आहिस्ता आहिस्ता। एक दो तीन, आई लव यू संध्या रानी। चार पाँच छह सात आठ नौ दस। अरे संध्या रानी, खत्म कर दी ना मेरी कहानी। सुनो भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले? आने तो क्या, क्या मैं किसी चिड़ियाघर का जंगली जानवर लगता हूँ क्या? अरे नहीं, हमारा पूछने का मतलब था कि आर्कियोलॉजिकल टीम कहाँ काम कर रही है। हा? ये कौन सी क्रिकेट की टीम है? इंडिया टीम सुनी, पाकिस्तान टीम सुनी, इंग्लैंड टीम सुनी, वेस्ट इंडीज टीम सुनी, ऑस्ट्रेलिया टीम सुनी, लेकिन ये कौन सी टीम है मौसी? मौसी? मैं तुम्हारी मौसी लगती हूँ इडियट? तो क्या मैं इसका भाई साहब लगता हूँ इडियट? नहीं नहीं, मेरा मतलब है यहाँ कुछ लोग खुदाई का काम करने आए हैं। ऐसा बोलना, वो सब लोग तो चले गए लेकिन एक पागल लुखा छोड़ गए। लुखा? कहीं उसका नाम अविनाश तो नहीं? हाँ ऐसे कुछ था, अविनाश विपरीत बुद्धि। कहीं आप उसकी बहन तो नहीं है? जी नहीं, मैं उसकी मंगेतर हूँ। मंगेतर? यानी कि इसका टांका उसके साथ और मेरा टांका उसके साथ। अगर इस टांके को उस टांके से मिला दो तो मेरा टांका क्लियर हो जाएगा। बहन जी, आप उसे मिलना चाहेंगी? जी हाँ, चलिए चलिए रिवर्स कर लीजिए जल्दी। ये जमीन देखा करी, ये आसमान देखा किया, जल गया सारा जहां, फिर भी
हम जी न सकेंगे, जान अजब मुश्किल में पड़ी है, तेरे यादों में हम तो जागे। अब देखिए हो जरा देखिए क्या हो वे है आगे आगे, जरा देखिए क्या हो वे है आगे आगे। यदि आप विनाश काल विपरीत बुद्धि को प्राप्त करना चाहती हैं, संध्या को प्राप्त करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। मगर वो दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और अविनाश तो मुझसे प्यार भी नहीं करता। सिर्फ एक मुलाकात हुई है जिसमें रिश्ते की बात चली थी। अरे आपके रिश्ते की बात तो चली थी, या तो कुछ नहीं चला था, सिर्फ मैं चला था, वो भी तो टांगों पर, और संध्या मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। इसके लिए एक रास्ता है, पंडित जटाशंकर की जेब गर्म करके संध्या को पा लेना। मैं उसके पास जाता हूँ और एक कोट लेकर आता हूँ। मैं गया और आया। जल्दी आना। अरे मेरे बस में होता तो जाता ही नहीं, लेकिन आ जाता। क्या है कि आने के लिए जाना तो पड़ेगा ही ना। उससे प्यार और इधर समझ गया लफड़ा, टू इन वन। तुम क्या समझती हो, ये आदमी कुछ कर सकेगा? प्यार में आदमी कुछ भी कर सकता है। मुझे देख लो, तुम्हें पाने के लिए मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। उसकी सारी दौलत हासिल करके मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बाहों में आ जाऊंगी। रीटा, कहीं अविनाश की दौलत पाने की खातिर मैं तुम्हें खो ना दूं। पागल हो गए हो, ऐसा कभी मत सोचना। तुम देखना, चट शादी और पट तलाक। अगर उसने तलाक ना दिया तो हम उसका खून कर देंगे। खून करेगा तो फांसी पे लटक जाएगा घोंचू। मैं अगर घोंचू हूँ तो तुम कौन से अकलमंद हो? तुम्हारी भी अक्कल का कमरबंद ढीला हो चुका है। उठाओ ये काले पीले नीले भूत और बाहर फेंक दो, इनका कार्यालय खाली हो चुका है। मेरा कार्यालय कभी खाली हो ही नहीं सकता है, मेरे दिमाग का मंत्रालय बहुत जोरों पर है। कहो तो कोई गोट दिखाऊं? अरे दिखाओ ना। एक सौ की पत्ती तरह निकालना तो फिर से ये ले। अब सुनो, विभाजन कर डालो। विभाजन? समझ में नहीं आया। बंटवारा कर डालो। बंटवारा? ये भी समझ में नहीं आया। फिर अंदर रख लो जरा, बताता हूँ। चोर से कहो चोरी करो, साहूकार से कहो तुम्हारा माल चोरी हो रहा है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी और तुम्हारा जो उल्लू है वो सीधा हो जाएगा। पंडित कुछ समझ में नहीं आया। देख पंडित, हर रोज तेरे को 100 का नोट दे देकर मैं अपने 4 खेत बेच चुका हूँ, और अगर मेरी अकल का रेल का डब्बा इतना बड़ा होता तो मैं तेरे पास क्यों आता? देख, जो कुछ बोलना है साधारण हिंदी में बोलो और जल्दी बोलो। अरे यार तुम जल्दी मत करो, जल्दी का काम हल्दी होता है। फिर वही। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कैसा
गोड़ देता हूँ जिसको सुनने के बाद तुम हिलने लग जाओगे। मुझे नहीं हिलना है, मुझे उससे हिलाना है। हिलाना है ना, तो उसके लिए मैं गोड़ देता हूँ, मगर उसके लिए थोड़ी समझ गया, लगता मोहब्बत के अंदर मुझे अपना पांचवा खेत भी बेचना पड़ेगा। लोगों ने मोहब्बत में पड़ोसियों के भी खेत बेच डाले हैं। ये बुढ़िया लो और रीटा से कहो कि अविनाश को घोल के पिला दे। अरे ये तो चूना है। अरे ये चूना नहीं, आशिक भूत के दिमाग की चर्बी है। इसको पीते ही अविनाश रीटा की भुजाओं में गिर जाएगा। भुजाओं में गिर जाएगा, ये भुजाओं क्या होता है? अरे यार उसकी गोद में गिर जाएगा। और ये समाचार जाके तुम संध्या को दे देना, वो आकर इस प्रेम आलिंगन के दृश्य को अपनी आंखों से देखेगी। प्रेम आल ये प्रेम आलिंगन क्या होता है यार? उस मोहब्बत के मंजर को अपनी आंखों से देखेगी तो क्या होगा? उससे नफरत करने लगेगी। और तुझसे मोहब्बत। बहुत अच्छा, अच्छा है कि नहीं? तो इसी बात पे ये बहुत करता है। नहीं ये आखिरी सुनो मेरी बात, ये तो मरेगा, मेरे बाप को कह जाता है। सुन मेरी संध्या रे, सुन संध्या रानी। क्या है? तुझे एक बुरी खबर सुनानी है। तेरे मुंह से तो कभी कोई अच्छी खबर निकल ही नहीं सकती। अरे सुन तो, तेरा वो शहरी बाबू है ना, उसके डाक बंगले में शहर से एक लड़की आई है। वहाँ वो शराब पी रहा है और उसकी कमर में हाथ डालकर एक दो तीन उगल दी ना तूने अपने जहन की गंदगी। तू तो इसके आगे कुछ सोच भी नहीं सकता, चल भाग यहाँ से। मेरा बाबू ऐसा नहीं है। समझी नहीं? अरे तू आ गया, तू मुझे मारने आया है? तू मुझे नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। मैं घर चल गया, मैं सुहाग उजड़ गया, मैं मर गई ना। नहीं माँ, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ माँ, तुम ठीक हो। नहीं, तू मुझे पागल खाने भेज देगी। हाँ तो मुझे पागलखाने से निकाल कर लाई हूँ। वहाँ जब डॉक्टर तुम्हें मशीन से करंट देते थे तो तुम्हारा बदन कांपता था और मेरा रोम रोम रोता था माँ। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता था माँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। कौन है तू? मैं तुम्हारी बेटी हूँ माँ, मैं तुम्हारी बेटी संध्या हूँ। नहीं, तू झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। मेरी बेटी फिफ्टी फिफ्टी मर गई। मैं तुम्हारी दूसरी बेटी हूँ माँ, संध्या। हाँ माँ, हाँ खाना खा लो माँ। पानी लाती हूँ।
संध्या। कौन? डरो मत बेटी, मैं हूं तुम्हारा काका शिवराम। काका, आप वही शिवराम हैं जिनकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है? हाँ, आज 20 साल से मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था। शिवराम, शिवराम, हमसे छिपने की कोशिश मत करो, तुम्हें हमारे सामने आना ही होगा, हमारे सामने प्रकट होना ही होगा शिवराम। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी शिवराम। लाशों के ढेर, चिताओं की धधकती हुई आग और पूरे ठाकुर खानदान की बर्बादी, क्या इसीलिए तुमने सिद्धि प्राप्त की थी? मैं जानता हूं गुरुदेव कि मैंने अपनी सिद्धि का दुरुपयोग किया है, लेकिन ठाकुर खानदान ने हम पर जो अत्याचार किए उसका भी तो सोचिए। मेरे घर में आग लगा दी उन्होंने, मेरे खानदान को जिंदा जला दिया। यह सब कुछ होने के बाद क्या मेरी आत्मा भड़क नहीं उठती? परंतु शिवराम, तुम तो एक सिद्ध पुरुष थे, तुम्हें यह सब कुछ शोभा नहीं देता, और फिर तुमने हमें वचन भी तो दिया था। लेकिन एक मरा हुआ आदमी वचन में बंधा हुआ नहीं रहता गुरुदेव। उन ठाकुरों ने मेरा शरीर नष्ट करके मुझे आपके वचन से मुक्त कर दिया, अब मैं आजाद हूं। जब तक ठाकुर खानदान के आखिरी चिराग को बुझा नहीं देता, मैं इस हवेली इस जमीन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक सिद्ध आत्मा का प्रण है ये, और कोई भी सिद्ध आत्मा अपने लिए हुए प्रण से पीछे नहीं हटती, ये भी एक सत्य है। तुम इस हवेली और इसकी जमीन की सीमा के बाहर कभी नहीं जाओगे। जिस बात को तुमने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया है, उसके पूरा होने तक तुम इस बंधन को नहीं तोड़ोगे, ये हमारा आदेश है। नहीं गुरुदेव, ये आपने अच्छा नहीं किया, आपने मुझे मेरे ही शब्दों का बंदी बना दिया। ठीक है गुरुदेव, मुझ में अब भी इतनी क्षमता है कि मैं ठाकुरों के आखिरी वारिस को चाहे वह 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, यहीं लाकर उसे मारूंगा। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अब मुझे इस कैद से मुक्ति चाहिए। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा, अब मुझे इस कैद से मुक्ति चाहिए। जब तक मैं अविनाश को खत्म नहीं कर दूंगा, मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। पर काका, मैं उससे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं उससे नफरत करता हूँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस दिन वो मेरे दायरे में आ गया, वो दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो मुझे अविनाश को बताना होगा कि वो इस हवेली में ना आए। मैं तुझे शिवराम से बचाने आई थी, और तूने मेरी वफा का ये सिला दिया, मेरे ही प्यार का खून कर दिया। अब मैं खुद तुझे शिवराम के हवाले करूंगी, यही मेरा इंतकाम होगा। संध्या, संध्या, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। तुम मुझसे कुछ नाराज हो क्या? अगर मैंने इससे नफरत का इजहार कर दिया तो फिर इससे बदला कैसे लूंगी? नहीं, मैं भला कैसे नाराज हो सकती हूँ तुमसे? मैं तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में सोच रही? मेरे बारे में क्या सोच रही? यही
कि अगर तुम्हारी माताजी ने मुझे बहू स्वीकार ना किया तो क्या होगा? देखो, ऐसा कभी सोचना भी मत। मेरी माँ बहुत अच्छी है और उसे हर वो चीज अच्छी लगती है जो मुझे अच्छी लगती है, और मैंने तुम्हारे बारे में अपनी माँ को सब कुछ चिट्ठी में लिख दिया। सच? हाँ, सच। जब तक मैं इसे शिवराम के हवाले ना कर दूं, मुझे यह नाटक करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारा कल का प्लान फ्लॉप हो गया? नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं ऐसी तरकीब ढूंढ निकालूंगा, ना रहेगा बास ना बचेगी बासरी। अरे हाँ, ये तो संध्या ही है। चलो आज साली को खत्म ही कर देते, चलो उसका पीछा करते। मत मारो मुझे, मत मारो। और बर्दाश्त, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो सब मुझे मारने पे तुले है? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मुझे बचाने वाला कोई नहीं। हम है ना बड़ी बहू, हमारे होते हुए कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता, इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ हवेली में अपने पास रखा हुआ है। विकी, क्या हुआ? कौन? किसने मारा? तू मार रही क्या? मैंने तो नहीं मारा। कौन है? कौन है इधर? कौन है इधर? गीता मुझे बचा, गीता मैं बचना नहीं चाहता, गीता मुझे बचा, गीता चिरा मुझे माफ करो, चिरा गीता मुझे बचा, तुम्हारे फिक्र बस बच नहीं सकता, गीता मुझे बचा, गीता मुझे बचा, गीता मुझे बचा, मैं बचना नहीं चाहता, गीता। भाई साहब, सुना आपने? क्या? ललितपुर में और दो मौत हो गई हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब? जी, जरा अखबार देंगे? लीजिए। ललितपुर में कल एक नौजवान लड़की रीता सिंह और एक नौजवान लड़के विकी खन्ना की लाशें पुरानी हवेली के अहाते में पाई गई। पुलिस वालों का कहना है कि इसी हवेली के अहाते में 20 सालों से रहस्यमय मौतें होती आ रही है, और गांव वालों का कहना है कि रीता सिंह आर्कियोलॉजिस्ट अविनाश की। मेरा अविनाश और ललितपुर में? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था बेटी। ये आपको क्या हो गया? तुम्हारा बेटा अविनाश ललितपुर में है। हाँ। और वो शिवराम की भतीजी से प्यार करने लगा है। क्या?
शिवराम की भतीजे से मेरे अविनाश का प्यार? मैं तो समझा था इन दोनों के प्यार की शक्ति शिवराम के सीने में लगी हुई नफरत की आग को बुझा देगी, और इन दोनों खानदानों में जो खूनी लड़ाई है यही खत्म हो जाएगी। पर हालात कुछ ऐसे हैं कि वो लड़की ही तुम्हारे बेटे के खून की प्यासी हो गई है। लेकिन गुरुजी मेरे बेटे का क्या होगा? शांत हो जा बेटी, ये तावीज है, मैंने अपनी सारी शक्तियां इसमें समो दी है, ये तुम्हारे बेटे की रक्षा करेगा। इसे ले जाके अपने बेटे के गले में डाल देना, कोई भी अशुभ शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। संध्या
पापा, मैं अविनाश को यहाँ ले आई और आपने उसे मारा नहीं। अब क्या बताऊं बेटी, मेरे गुरु ने मेरे सामने उन्होंने अविनाश के गले में जो तावीज डाला है, मैं उसकी ताकत का सामना नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा? तुम कुछ भी करके वो तावीज अविनाश के गले से निकालो और फिर उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है। संध्या, नाराज मुझे होना चाहिए और गुस्से में तुम दिखाई दे रही। तुम किस बात पे नाराज होते? अरे कमाल है, गाना गाते हुए मुझे हवेली ले गई और वहाँ से अचानक गायब हो गई। बाबूजी, तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि तुम्हें मेरी सूरत हर जगह नजर आती है। अरे बाबा छोड़ ये सब, क्या मैं तेरे लिए खुशखबरी लेके आया था, मेरी माँ शहर से आ गई है। तो ये तावीज तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया है? हाँ, मेरी माँ ने मेरे गले में डाला ताकि हर बुरी बला से बचा रहूं। अरे वाह, तुम भी इन तावीजों में विश्वास रखते हो? तो फिर तुम में और शमशेर में क्या फर्क रहा जो दिन रात तावीज लेकर कुत्ते की तरह मेरे पीछे दुम हिलाता रहता है? इधर, तू मेरी तुलना शमशेर से कर रही है? अरे वो तो मेरे माँ का दिल रखने के लिए तावीज पहन लिया था। अगर तुझे पसंद नहीं है ना तो उतार देता हूँ। ये ले। आप खुश है? अब चल। वो देखो तू उन वादियों में, कितना सुहाना मौसम है। वहां से ले लो। जाने मन जहां से कहो। जान बन रही हो माँ, जो तस्वीर हमारे घर में लगी है वही तस्वीर मैंने उस हवेली में भी देखी थी, और जिस दिन से मैंने वो तस्वीर देखी है मेरे दिल दिमाग में एक जंग से छुड़ी हुई। मुझे लगता है कि मेरा उस हवेली से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। जिस दिन मैंने इस गांव की धरती पर कदम रखा उस दिन मैंने एक आवाज सुनी और वही आवाज मैंने फिर सुनी। अब तो बोल दे माँ कि ये सच है। अगर ये झूठ है तो रख मेरे सर पे हाथ। ये सब सच है बेटे। बेटे, मैंने इस राज को अपने सीने में दफनाए रखा था क्योंकि मैं तेरी सलामती चाहती थी। ठाकुर खानदान के आखिरी चिराग को रोशन रखना चाहती थी। हाँ, तूने जो कुछ भी सुना है वो सब सच है, इसलिए तो मैंने तुझे विलायत भेजा जिससे तुझे किसी भी बात का पता न चले। पर कुदरत का तमाशा देखो, तुझे यहाँ फिर से खींच ले आई। सीता की मौत की खबर पड़ते ही मैं गुरुजी के पास गई और तेरे लिए ये तावीज लाई। और तुझे पता है अविनाश, जिस लड़की से तू प्यार करता है वो शिवराम की भतीजी है। शिवराम की भतीजी है वो? हाँ, और वो तुम्हें मारना चाहती है, इसीलिए वो दुविधा में पड़ी रही कि वो अपने काका को मुक्ति दिलाए या मेरी रक्षा करे।
दुनिया में हर नफरत का जवाब प्यार है माँ, और हम संध्या को अपने घर की बहू बनाकर शिवराम की नफरत को प्यार और मोहब्बत में बदल देंगे। हाँ ठीक है, हमें इस नफरत की आग को बुझाना ही पड़ेगा। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता ठाकुरायन। ठाकुर रंजीत सिंह की धर्मपत्नी, आपको शर्म आनी चाहिए। दोनों खानदानों की दुश्मनी को आप भूल गई? किस मुंह से आप एक दुश्मन के घर रिश्ता मांगने आई हैं? मामा ने शादी से इनकार कर दिया। मैं जानती हूँ, मगर आज हम उन प्यार के दुश्मनों की इन बंदिशों को तोड़ कर दिखा देंगे। क्या? मगर कैसे? आज शिवरात्रि का दिन है, आज के दिन जो भी उस पहाड़ी वाले मंदिर पे मन्नत मांगता है शिवजी उसे जरूर पूरी करते हैं। जब भगवान इजाजत देगा तो इंसान क्या रोके। अरे आओ मेरे करोड़पति ठाकुर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे मैं तुम्हारी बद्दुआ से आज तक संध्या का पति नहीं बन सका और तुम मुझे करोड़पति बुला रहे हो। लगता है सुबह सुबह 8-10 मेंढक खा लिया तुमने। अगर मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा तो तुम पूरे गांव में मेंढक की तरह फुदुक 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 करते फिरोगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बेहतरीन खजाना ढूंढा है। कैसा खजाना?
ये शहरी लड़का है ना जो संध्या के पीछे दीवानों की तरह भटकता फिरता, जानते हो कौन है? कौन है? ठाकुर रंजीत सिंह का बेटा है। तुम्हें किसने बताया? संध्या के मामा ने। और रंजीत सिंह का बेटा ही जिंदा नहीं है, उसकी पत्नी यानी तुम्हारी मामी भी जिंदा है और यही है। उससे क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब यह हुआ कि करोड़पति वो हुआ, मैं कहां से हुआ? अबे तेरे दिमाग में जो बेवकूफी का झोपड़ा है इस पर मैं अकल की छत कब तक लगाता रहूंगा? शिवराम ने प्रतिज्ञा ली है कि वो रंजीत सिंह के पूरे खानदान को खत्म कर डालेगा, यानी दोनों को जान से मार डालेगा। अरे जान से तब मारेगा जब वो हवेली के अंदर घुसेगा तबला। समझ गया, मैं कोई भी कार्यक्रम करके उस लड़के को उस हवेली के अंदर धकेल दूं। लेकिन मामी का क्या होगा? मामी ही तो असली चीज है और उसके लिए बहुत बड़ा नहीं, उससे काम नहीं चलेगा, काफी ढेर चाहिए। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। फॉलो मी। अरे क्या करता है यार, सीधा खड़ा चल। सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है ना, वो तावीज है जो उस लौंडे के गले में लटक रहा और जिससे शिवराम डरता है, बहुत भी दिखता है, इसी वजह से उस लड़के को आज तक मार नहीं सका। अरे एक ऐसा तावीज मुझे भी दिलवाओ ना। तुझे तावीज चाहिए? हाँ। अभी देता हूँ, मगर लगता छोटा खेत भी गया। तावीज तो खैर मेरे पास नहीं है, फिर कभी लेना चलता, आपस की बात है। क्या कर, तू एक काम कर, तू उस लड़के गले से तावीज निकाल कर किसी भी तरह उस लड़के को हवेली में भेज दे, बाद में उस मामी का क्या करना मैं जरूर समझा दूंगा। मगर एक बात याद रखना, उस पूरी जायदाद की एक चौथाई का मैं हिस्सेदार हूँ। हाँ। सब कुछ मैं करूँ, एक चौथाई का हिस्सेदार इसे बनाऊ? देख बे, तू जो सोच रहा है ना मुझे वहां सुनाई दे रहा है। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। तूने नहीं सोचा? तूने नहीं सोचा कि सब कुछ मैं करूँ और एक चौथाई का हिस्सेदार इसे जबरदस्ती बना दूँ? ये तो 420 आदमी है। तेरा बाप 420 किसको बोलता है? मैं चोर कहीं का। तेरा बाप? निकल, भाग जा। चोर बोलता सारा। पंडित जी तुम महान हो, महान। अभी नहीं, पाल लागू मामी जी। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं रंजीत सिंह की बहन पुष्पा का बेटा हूँ। ओह, तुम पुष्पा के बेटे हो? जी हाँ। कैसी है पुष्पा? अच्छी है, लेकिन ऊपर है। ऊपर? मेरा मतलब है उनकी मृत्यु होगी, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओह, लेकिन बेटे तुम बैठो ना, तुम कुछ जल्दी में लग रहे हो। आपको मामी जी एक बहुत बुरी खबर सुनानी है। अविनाश की जान खतरे में है। क्या? हाँ, वो हरिराम की बेटी संध्या है ना, उसे हवेली ले गई है। लेकिन संध्या तो उसे बहुत प्यार करती है और मेरे बेटे के गले में ऐसी तावीज है कि हवेली में उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। तावीज मेरे पास है। हे भगवान, मुझे शक्ति दे, आज मैं इसका तावीज उतार के इसे शिवराम के हवाले कर सकूं। शिव जी, मैं आपसे दया की भीख मांगने आया हूँ। इस लड़की के दिल से नफरत की भावना निकालकर इसे मेरी दुल्हन बनाइए। तुम ही शक्ति हो, तुम ही सर्वज्ञ हो। संध्या, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मार डालूंगी मैं जानती हूँ, मेरे खानदान की तबाही का कारण तुम हो। भूतनी जी, हम तो सिर्फ रिपोर्टर हैं। नहीं, चले जा। भागो रे, मैं मार डालूंगी। भागो, ये तो भोकते हैं। जाऊंगी मैं। जाओ, भागते क्यों?
आजा आजा। ए, क्या बक रहे हो, कौन हो तुम? अरे भाई, हम लोग पत्रकार हैं। ठाकुर रंजीत सिंह की हवेली में एक भूत का इंटरव्यू लेने गए थे। शिवराम ने तुम्हें जिंदा कैसे छोड़ दिया? ना कोई वहाँ शिव है ना कोई राम है, वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो सबका खून करती है, वही तो गाँव वालों की तबाही के जिम्मेदार है। वो हमारा पीछा करते हुए इसी तरफ चली आ रही है। चलो भागो ना राजा। अरे रख दो, चलो भाई चलो। पत्थर मारो चुड़ैल को। सहारा मजलूम औरत पे जुल्म करते तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बाबूजी, आप चुड़ैल को नहीं जानते, ये 20 साल से लोगों का खून करती आ रही है। मैं कुछ नहीं जानता, वह एक बेसहारा मजलूम औरत है। माँ जी, कौन हो? जी, मेरा नाम अविनाश है। अविनाश जी। नहीं नहीं भैया नहीं, मैं कहता हूँ छोड़ दो सुधा, मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं कहता हूँ छोड़ दो सुधा, मुझे छोड़ दो। इस कमीने ने तुम्हारी बेटी संध्या को अपने प्यार के। संध्या? मेरी बेटी? हाँ, तुम्हारी बेटी संध्या को इसने प्यार के जाल में फंसा कर कहीं गायब कर दिया है, और यही है ठाकुर रंजीत सिंह का बेटा, जिसने हमारे खानदान को बर्बाद किया, जिसने तुम्हारा सुहाग उजाड़ा और तुम पागल हो गई। भैया, बीते हुए कल को याद करके आने वाले कल को क्यों मैला करते हो? इस दुनिया में हमारा जन्म सिर्फ रोने और खोने के लिए तो नहीं हुआ, कुछ पाने और हंसने पर भी अधिकार है हमारा, उस अधिकार को हम क्यों छोड़े? सुधा, तुम तो समझदारी की बातें करने लगी, तुम्हारा वो पागलपन। मेरा वो पागलपन एक डरावना ख्वाब था भैया, जो आज आज एक नई जिंदगी में बदल गया। आप खुली तो सामने अविनाश था। अविनाश संध्या से प्यार करता है, इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है? मुझे ये रिश्ता मंजूर है, लेकिन संध्या, संध्या कहाँ है? ये सच है मामा जी कि संध्या मेरे साथ मेले में गई थी, लेकिन अचानक एक धुएं का गुबार आया और वो गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। हाँ, रास्ते में पड़ा हुआ ये मफला जरूर मिला। ये तो शमशेर का है। शमशेर का है? 17 तारीख का बुकिंग चाहिए। नू शंकर, हाँ मिल जाएगा। शंकर लाल आदमी का जी, होट होट की जी। माँ जी कहाँ है? जी वो शमशेर बाबू आए थे, माँ जी उन्हीं के साथ गई हैं। छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ तो मैं तुझे दूंगा रानी, लेकिन मेरा काम हो जाने के बाद। और मेरा काम बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उल्लू का पट्टा किसी वक्त तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आएगा, और उसके बाद मेरा काम हो जाएगा। मगर तुम्हें उससे क्या काम हो सकता है? मैं कोई गधे का बच्चा हूँ या बेवकूफ हूँ जो तुम्हें बता दूं कि उससे क्या काम? अरे तुम उसे सावधान कर दोगी और मेरा काम अधूरा रह जाएगा, क्योंकि रानी तुम उससे बहुत प्यार करती हो। प्यार? प्यार तो उससे मैं करती थी शमशेर,
लेकिन अब मैं उससे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत, क्योंकि उसने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। वो मंजर देखने के बाद उसकी मौत ही मेरी जिंदगी का मकसद बन गई। ये सब नाटक है छोकरी, नाटक। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता ना? हाँ, ये देखो, देखो उसका तावीज मैं उससे चुरा कर लाई हूँ। अब कोई चाल चल के उसे हवेली भेज दूंगी। ये तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। लाओ ये तावीज मुझे दे दो। हाँ। अरे लाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। लाओ। भलाई तो तुम्हारी हो ही जाएगी। अब एक काम करो, तुम इधर से जाओ और वो इधर से आता होगा। जाओ जाओ। बोल शमशेर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बोल। मुझे नहीं मालूम। बोल, नहीं तो जान से मार दूंगा। छोड़ो, बताता हूँ। वो नीचे वाले जंगल के खनार में आ गया। अबे ओ शैतान की औलाद, मेरी माँ को कहाँ ले गया था और संध्या कहाँ है? अरे चटाशंकर ने मुझे बताया कि संध्या तुमको हवेली ले गई है, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को भी वहाँ भेज दिया। अरे तुम्हारी भलाई के लिए, तुम जाओ ना। अब मरेगा ये कुत्ते की मौत, ताबीज मेरे पास। कम इन। कम तुम। अरे वारे मेरे ठाकुर, एक तीर से दो शिकार हैं? करोड़पति बनने से पहले अकल का प्लेन जो है वो टेक ऑफ करने लगा। ऐसा लगता है तेरे बेवकूफी के झोपड़े पे अकल की छत लगानी पड़ेगी। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं, बल्कि फरमा रहा हूं। अगर तूने मेरा साथ छोड़ा तो तेरे अकल का घोड़ा शिवराम के क्रोध के समंदर में भूख से डूब जाएगा। इस फ्रॉड आदमी से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? कौन फ्रॉड आदमी? सुन लिया, तू तो जानता है कि वहां जो आवाज उठती है खुद बखुद आ जाती है। साला 420। कौन 420? तेरा बाप 420? अब तू मुझे बकार बोल, फ्रॉड बोल, 420 बोल, कुछ भी बोल, मगर पहले इस कागज पे दस्तखत कर दे। ये क्या है? इसको एग्रीमेंट बोलते हैं। इसमें साइन करने के बाद मैं कानूनी तौर पर तेरी सारी दौलत, सारी जायदाद, सब कुछ का हिस्सेदार बन जाऊंगा। फिर मैं तेरा हिस्सेदार, तू मेरा वफादार, मैं तेरा चौकीदार, तू मेरा रिश्तेदार। गधा कहीं का। कौन? तू ना? मतलब गधा कहीं का तू ना? तू काम कर, ये ले इस पे साइन कर दे, मैं तेरा पानी पी लूं। जल्दी कर, टाइम नहीं है मेरे पास। कर दिया दस्तखत? मैं इस कागज के टुकड़े पर कोई दस्तखत नहीं करूंगा। तू क्या समझता है कि मैं एक बदमाश और ढोंगी को अपना रिश्तेदार बना लूं? अरे जा जा अपनी कुटिया में जाकर आराम कर, भी के साथ कुछ दान भिजवा दिया करूंगा मैं। दान तो लपेट के अपनी छोटी सी जेब में रख ले, मुझे अपना हिस्सा वसूल करना आता है। क्या करेगा तू? मेरा खून करेगा? खून तो बुजदिल करते हैं, जिनके पास अकल होती है वो गोट बचा के रखते हैं। कैसी गोट? वो जो मामी को नकली तावीज देकर हवेली भेजा था ना, उनको मैंने रास्ते में उड़ा लिया, अब वो मेरे कब्जे में है। बता मामी कहाँ है? तू पहले दस्तखत कर। बता अविनाश की माँ कहाँ है? तू पहले ये कागज उठा और दस्तखत कर इस पर। मैं तुझसे बोल रहा हूँ कि बता मामी। तू पहले दस्तखत कर। तू बताता है कि नहीं? तू दस्तखत करता है कि नहीं? तू बताता है कि नहीं? तू दस्तखत करता है कि नहीं? तू बताता है कि नहीं? तू दस्तखत करता है कि नहीं? तू कहता है कि तुझे हिस्सा लेना आता है, लेकिन दोस्त मुझे किस्सा खत्म करना आता है। डरो मत, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ, आजाद करने आया। ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, ये मेरे पापों की सजा है। दौलत की लालच ने मुझे जिंदा कर दिया था। मैंने तुम्हें इसलिए कैद किया था कि मैं दौलत वाला बन जाऊं, मगर उस ऊपर वाले की मर्जी कुछ और थी, इसीलिए उसने तुम्हारी जान बचा ली, वरना शमशेर ने तो तुम्हें ये नकली तावीज देकर मौत के मुंह में पहुंचा ही दिया था। नकली तावीज? हाँ, ये नकली तावीज है। तुम्हारा बेटा हवेली पहुंच गया, तुम जल्दी जाओ,
जाओ बचा लो उसे। असली तावीज तो उसके गले में है ना शिवराम, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। नहीं नहीं, असली तावीज उसके गले में था, अब नहीं है। शमशेर ने वह तावीज छीन लिया उससे। अब क्या होगा? तुम्हारे बेटे की वजह से संध्या की माँ का पागलपन दूर हो चुका है, अब वो तुम्हारी मदद करेगी, इसलिए देर मत करो, जाओ। माँ, संध्या, संध्या, माँ। यहाँ कोई नहीं आया और ना ही कोई आएगा, तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ लाई है। तुम? हाँ, मैं शिवराम हूँ, बड़ी कोशिशों के बाद मेरे दायरे में आए हो। 20 साल से एक कैदी की तरह तुम्हारे इंतजार में सजा काट रहा हूं। तड़पती रही है मेरी आत्मा, छटपटाती रही है। आज मेरी आत्मा की तड़प और बेचैनी को शांति मिल जाएगी और तुझे मारकर इस हवेली की कैद से रिहाई। शिवराम, शिवराम, तू ऐसा नहीं कर। नहीं, तुम्हारे जालिम बुजुर्गों ने जो बोया है वो तुम्हें काटना होगा। उन्होंने मेरा घर जलाकर मेरा शरीर गोलियों से छलनी कर दिया था। वो रात मेरे लिए कयामत की रात थी और आज की रात तुम्हारे लिए कयामत की रात होगी। आज तुम्हें मारने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मुझे इसी का इंतजार था, इसी का। इसकी मौत ही ठाकुर वंश का अंत है और मेरे बदले की पूर्ति। नहीं जेठ जी, नहीं, भुला दीजिए पुरानी बातों को, चला दीजिए अतीत के पन्ने और लिखिए एक नया इतिहास। बहू, मैं किसी देश का राजा नहीं जो इतिहास के पन्नों में जिंदा रहना चाहूंगा। मैं तो एक बेचैन व्याकुल आत्मा हूं जो इस सपोले को मारने के बाद ही शांत होगी। नहीं शिवराम, मेरे बेटे को मत मारो शिवराम, तुम मेरी जान ले लो, मुझे मार डालो, अपने खून की प्यास मेरे खून से बुझा लो शिवराम। मेरा बेटा तो बेकसूर है, उसका कोई दोष नहीं, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, उसे छोड़ दो शिवराम। अच्छा हुआ ठकुरायन तुम आ गई। जिस तरह तुम्हारे ठाकुरों ने मेरे परिवार के टुकड़े टुकड़े किए थे, उसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने मैं तुम्हारे जिगर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं काका, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप अपनी संध्या के साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने तो मेरा दुख देखा है, मेरी माँ का तड़पना देखा है,
किस तरह पागलपन में वो चीखती थी, अपने बाल नोचती थी, दीवारों से अपना सर टकराती थी, और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ बेबसी से खून के आंसू रोती थी। उसका पागलपन दूर करने वाला कोई और नहीं, ये अविनाशी है। सारे गांव वालों की पत्थर और लाठियां खाने के बाद भी इसने मेरी माँ को एक नया जीवन दिया, मेरी इज्जत बचाई, और बदले में मैंने बार बार इसकी जान लेने की कोशिश की, अपना दुश्मन समझा, और ये भला आदमी सब कुछ जानने के बाद भी हमारी मदद करता रहा, मुझे प्यार करता रहा। अब मैं इसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। बोलो काका बोलो, क्या आप अपनी भतीजी को कभी दुल्हन बने नहीं देखना चाहते? क्या आप चाहते मेरे हाथों में मेहंदी ना लगे, मेरी डोली ना उठे? क्या आप चाहते कि मैं भी अपनी माँ की तरह पागल हो जाऊं? नहीं काका, आप इतने कठोर नहीं, आप इतने संगल तो नहीं हो सकते काका, और अगर है तो मार डालिए हम दोनों को। आप अविनाश को अकेला नहीं मार सकते, उसके साथ आपको अपनी संध्या को भी खत्म करना होगा। मार डालो हम दोनों को काका, मार डालो हम दोनों को, कर लो अपनी कसम पूरी काका, मार डालो हम दोनों को, मुक्ति पालो हम दोनों को मार के काका, मुक्ति पालो हम दोनों को मार के, कर लो अपनी कसम पूरी काका, मारो हमें खत्म कर डालो। अरे रुक क्यों गए, मुक्ति पालो काका, हमें मारो, मारो हमें काका, मुक्ति पालो काका, अपनी मुक्ति पालो, हम दोनों को एक साथ ही खत्म कर डालो काका। फंस गया। शिवराम के बच्चे, देखा इस तावीज का कमाल, मैंने अपनी जान की बाजी लगा के ये तावीज तुम्हारे ऊपर फेंका था, अगर मेरा निशाना चूक जाता तो सबसे पहले मौत का शिकार मैं होता। अब तुम्हारी आत्मा बरसों तक किसी हवेली में भटकती रहेगी। इस तावीज से छुटकारा दिलाना इंसान के बस की बात तो नहीं, और अब तुम मुझको और संध्या को आशीर्वाद दोगे? नहीं, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगी। मैं जानता था कि तुम मुकर जाओगी, मैं जानता था कि तुम मुझे धोखा दोगे, इसलिए वो तावीज मैंने तुमसे ले लिया था, और अब तुम मेरी धर्म पत्नी बनोगी, यानी कि मेरी वाइफ बनोगी। संध्या को दुल्हन बनाने वाले पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। चूहे से निपटना बिल्ली का काम होता है, शेर का नहीं। जो इंसान इन हालात में हथियार से डर जाए वो मर्द क्या? मर्द तो वो है जो मैदान जंग में या तो शहीद हो जाता है या फिर फतह। Oh!
तावीज इसलिए बनाया था कि शिवराम के क्रोध से लोगों के प्राणों की रक्षा की जा सके, इसलिए नहीं कि मेरे ही शिष्य को अनंत काल के लिए बंदी बना दिया जाए। प्रणाम गुरुजी। काका जीते रहो, 20 साल तक मैं बदले की आग में झुलसता रहा, आज मुझे आभास हुआ प्यार में वो शक्ति है कि बदले की भावना कितनी ही जानलेवा क्यों ना हो, उसे प्यार के सामने झुकना ही होगा। प्यार ही जीवन है, 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 प्यार ही जीवन है। सदा सुखी रहो।